मेरे प्रिय मित्र, आशा करते कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं, आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। आज फिर से हम उत्पत्ति की किताब, जो बाइबल की पहली पुस्तक है, जो हमारे पारिवारिक इतिहास को दर्शाती हैं और पारिवारिक बातों को बताती हैं, और हम इसको बड़ी दिलचस्पी के साथ सुनते हैं, पढ़ते हैं, जिससे कि हम परमेश्वर की उस महानता को जान पाते हैं, परमेश्वर के वायदे को जान पाते हैं, परमेश्वर की वाचा को जान पाते हैं कि एक अनजान व्यक्ति अब्राहम को कसदियों के ऊर नगर से उसे बुला लिया और बुलाकर उसका पूरा साथ दिया, और कभी भी परमेश्वर ने उसे धोखा नहीं दिया, परमेश्वर ने कभी भी उसे छोड़ा नहीं है और उसे आगे बढ़ने का हर मौका दिया और उसके साथ परमेश्वर बना रहा। तो उसके वंश को आगे हम देखते हैं प्रियो, और यहाँ पर जब हम वचन पढ़ते हैं उत्पत्ति 15 अध्याय, और यहाँ पर उसके 15वें पद में हम जब देखते हैं, वहाँ पर परमेश्वर, उससे पहले परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था, निश्चय जान कि तेरे लोग, तेरे वंश पराये देश में परदेशी होकर रहेंगे और वहाँ के लोगों के वो गुलाम हो जाएंगे या अधीनता में रहेंगे, उनके दास होंगे, नौकर चाकर हो जाएंगे। और ये सिर्फ एक भेंट के कारण से हुआ था, ये सूर्य अस्त होने पर हुआ था, ये जब वो इंतज़ार करते करते सो गया था तब हुआ था। मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि अब्राहम चिंता ना करें, अब्राहम टेंशन ना ले कि अरे अभी मुझे पुत्र भी नहीं है, मेरी पत्नी अभी बांझ है, और परमेश्वर वादे पे वादे, वायदे पे वायदे, वाचा पे वाचा करता ही जा रहा है और मैं अभी तक उन चीज़ों को देख ही नहीं पा रहा हूँ। अब्राहम ने एक ही बात कही थी कि मैं कैसे जानूं कि मैं इस देश का अधिकारी हूँ, और परमेश्वर ने कहा तू ऐसे कर, ऐसे कर, और उसने ऐसा किया था, और उसमें ढिलाई और उसमें बहुत से ऐसी लापरवाही, सुस्ती दिखाई, जिसके कारण से एक बड़ा श्राप भी उसके ऊपर आ गया था। इसलिए निश्चय जानना बहुत जरूरी है कि हम भेंट चढ़ाने के समय में किस तरीके से अपने भेंटों को लेकर आते, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया है। तो प्रियो, मैं 15 पद में आता हूं। तो परमेश्वर उससे आगे बात को बढ़ाना चाहता है और अब्राहम चिंता में ना रहे, परमेश्वर फिर से उसे कुछ कहना चाहता है, और क्या बात है वो 15 पद में, तू तो अपने पितरों के साथ, पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा, तू तो अपने पितरों के साथ कुशल से मिल जाएगा, तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी। कि अब्राहम तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं कि 400 साल मेरे लोग ये करेंगे, पर तू कुशल से रहेगा, कुशल से मिट्टी में अपने पितरों के साथ मिल जाएगा, और वे चौथी पीढ़ी में यहाँ फिर आएंगे, तेरे लोग, तेरे वंश, तेरे बेटा बेटी, तेरे पुत्र पुत्री, चौथी पीढ़ी में वो लोग यहाँ आएंगे, क्योंकि अब तक अमोरियों का धर्म पूरा नहीं हुआ है। ये अमोरी लोग कौन है, इस पर हम अलग वीडियो बनाएंगे, इसके पूरी डिटेल्स आपको देंगे, पर इस समय हम वचन को आगे बढ़ाएंगे। वचन ये कह रहा है, और ऐसा हुआ कि जब सूर्यास्त हो गया, जब सूर्यास्त होने लगा था, अब सूर्यास्त हो गया और घोर अंधकार छा गया, तब एक अंगीठी जिसमें से धुआं उठ रहा था, तब एक अंगीठी जिसमें से धुआं उठ रहा था, अंधेरा हो चुका था, और कहते कि यहां पर सूर्यास्त हो गया था, सूर्यास्त होने पर अंधेरा ने उसे छा लिया था, और लिखा है एक अंगीठी जिसमें से धुआं उठ रहा था, एक जलती हुई मशाल दिखाई दी जो उन टुकड़ों के बीच में से होकर निकल गई। जलती हुई मशाल एक अंगीठी के रूप में, जलती हुई मशाल उस भेंट के टुकड़ों के बीच में से निकल गई। यही है भेंट का स्वीकार करना, यही है परमेश्वर ये दिखाता है कि मैंने तेरी भेंट को स्वीकार कर लिया है। आगे पढ़ते हैं 18 पद में, आगे लिखा 18 इसका कहता है कि बीच में से निकल गया जिनको उसने टुकड़े किए थे। इसी दिन यहोवा ने फिर से अब्राहम के साथ यह वाचा बांधी, मिस्र के महानंद से लेकर प्रात नामक बड़े नंद तक जितना देश है, या फिर से वाचा बांधी है। प्रियो, परमेश्वर बहुत कुछ देना चाहता है, परमेश्वर के अंदर आपके प्रति, आपके लोगों के प्रति, आपके घर के प्रति, आपके बेटा बेटी, आपके वंश के प्रति बहुत कुछ देने की इच्छा है। सिर्फ धीरज के साथ सुने और उसके वाचा पर, उसके वायदे पर, उसकी बातों पर, उसके वचन पर विश्वास कर, और जब आप उसके वचन पर विश्वास करते हैं तो वो धीरे धीरे सारी बातें बाहर निकल कर आती कि परमेश्वर आपके लिए क्या करना चाहता है। कैमर आपके पासवान, आपके गुरुजन, आपके साथ रहने वाले अच्छे लोग आपके लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन हम धीरज खो देते हैं, हम अपने आप को उतावली में ले आते हैं, जल्दबाजी में हमारा जीवन चलना शुरू हो जाता है, इस कारण से हमारे कार्य को बढ़ा दिया जाता है, हमारे आशीषों को लेट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर लिखा है कि फिर से परमेश्वर ने उसको वाचा बांधी उसके साथ कि मिस्र के महानंद से लेकर प्रात महानंद तक जितना देश है, अर्थात देखिए यहाँ जातियों का नाम लिया गया है, कैनियों,
कनिजियों, कदमोनियों, हीतियों, परिजियों, रपाइयों, रिपाइयों और अमोरियों और कनानियों और गिरगासियों और युबिसियों का देश मैंने तेरे वंश को दिया है, दूंगा नहीं दिया है। वंश कहां है? वंश आया नहीं है, लेकिन परमेश्वर कहता है मैंने तेरे वंश को दिया है, ये सारी जातियां के लोगों के देश मैंने तेरे वंश को दिया है। प्रियो, आपको इस बात पर विश्वास करना कठिन होगा, अब वो चक्के होंगे, आप सोच रहे होंगे ये कैसे कैसे हो सकता है, जैसे कि मैं कैसे जानूं कि मैं इस देश का अधिकारी होऊंगा। यहां पर फिर से एक सवाल खड़ा होता है कि कैसे। पर प्रियो, परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है, जैसे कि हम 18वें अध्याय में पढ़ते हैं, परमेश्वर जो करना चाहे उसे कोई रोक नहीं सकता। परमेश्वर परमेश्वर है, मैं आपको ये कहना चाहता हूं। इसलिए परमेश्वर ने यहां पर कितने देशों का नाम लिए हैं मैं अगर बताऊं, ग्यारह देशों के नाम यहां पर आए हैं, सोच के देखिए, 12 गोत्र 11 देश, इनके हम आगे गोत्रों की भी जानकारी लेंगे। प्रियो, आप सोचिए कि परमेश्वर के जो वायदे हैं हमें उतावली में उन्हें नहीं लेना, बल्कि आदर के साथ और उस पर विश्वास करते हुए। जब अब्राहम ने परमेश्वर के वायदे पर विश्वास किया, वाचा पर विश्वास किया, तब उसके लेखे में धर्म गिना गया और उसकी मित्रता में बदल गया, क्योंकि मित्र मित्र को सारी बातें बता पाता है। और परमेश्वर का वचन, यीशु मसीह खुद हमारा प्रभु ये बात कहता है, मैंने तुम्हें दास नहीं कहा, मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मित्र मित्र को सब बातें बता देता है। और आगे कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। हमारा चुनाव नहीं था, अब्राहम को चुनाव नहीं था कि अब्राहम ने परमेश्वर को चुन लिया था, नहीं, परमेश्वर ने अब्राहम को चुना था। किसके लिए? इन सब देश के लिए, कनान देश के लिए, इन सब जातियों पर अधिकार जताते उन्हें दूर करने के लिए और वहां पर बसने के लिए, अपने लोगों को और अपने परिवार और वंश को आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर के साथ वाचा पे वाचा की, वायदे पे वायदा किया। और परमेश्वर के वायदे और वाचा सच्ची हैं, झूठे नहीं हैं। हम बदलते हैं, वो कभी नहीं बदलता है। इसलिए परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए प्रियो, धीरज के साथ उसके वचन को सुने, धैर्य रखें कि परमेश्वर आगे कुछ बड़ा काम आपकी जिंदगी में करना चाहता है। और वो बड़ा काम तब करेगा जब आपके अंदर धैर्य होगा, जब आप धीरज के साथ उसकी वेट कर रहे होंगे, इंतजार कर रहे होंगे, आप बाट जो रहे होंगे, तब ही परमेश्वर आपके लिए वाचा बांधते हुए उस वाचा को पूरा करेगा और अपने वायदे को पूरा करेगा। इसलिए प्रियो, यहां पर इस 15वें अध्याय को हम समाप्त कर रहे हैं, पर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के साथ उन वाचा में बने रहें और वाचा में खड़े रहें। परमेश्वर कभी भी आपको त्यागेगा नहीं, धोखा नहीं देगा। फिर से मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि सच्चे जीवित परमेश्वर ने मुझे भी चुना और आपको भी चुना है। कहीं से भी आप देख रहे हैं प्रियो, आप विश्वास कीजिए कि परमेश्वर, मैं तेरी भेंट चढ़ाने के समय में लापरवाही नहीं करूंगा, मेरा समय दूसरे लोगों के साथ नहीं। इन यहां पर जो 11 जातियां बताई गई हैं, हीती, परिजी और रपाइयों, कंजियों, कदोमियों और कैनियों, परमेश्वर कह रहे हैं कि युवशियों से इनसे बचना है। आगे जब हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर खुद कहेगा इन लोगों की, इन जातियों को नष्ट करना है, अपने साथ इनको नहीं रखना है। ऐसा ना हो कि इनके रीति रिवाज, इनकी सारी बातें तुम्हारे साथ, तुम इनके साथ मिल जाओ और उनकी रीति रिवाज को तुम मानना शुरू कर दो। और हम कई बार अपने जीवन में इन रीति रिवाजों को मानना शुरू करते हैं। हाँ, हम संसार में रहते हुए जैसे हम लोगों को देखते हैं, हम उन्हीं की तरह जीने की कोशिश करते हैं, उन्हीं के रीति रिवाजों को अपने जीवन में अपनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये हमारे लिए ठीक नहीं है। आपको देखते हुए लोग बदले, आप लोगों को देखते हुए ना बदले, आप लोगों से ना डरे, आप सच्चे जीवित परमेश्वर को पवित्र के साथ भय मानते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाए, क्योंकि परमेश्वर तो परमेश्वर है। मेरे प्रिय, मेरे भाई, मेरी बहन, आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपसे कह रहा हूं, वो सच्चा जीवित परमेश्वर अगर अब्राहम को अपने उसके देश से, उसके घर से, उसके कुटुंब से अलग करके अपने लिए लेकर आया है, अगर उसकी बुलाहट हुई है तो परमेश्वर की जिम्मेवारी है कि उसे आगे बढ़ाए और उसे धीरज रखना सिखाए, जल्दबाजी को उसकी जिंदगी से हटाए। और जल्दबाजी परमेश्वर ने उसकी जिंदगी से हटाई है, सच में उसे धीरज के साथ आगे बढ़ना था
और वो आगे बढ़ा भी है, लेकिन कहीं कहीं उसकी उतावली को, कहीं कहीं उसकी विश्वास की कमी को देखा गया है। और कई बार हमारे जिंदगी में विश्वास की कमियों को देखा जाता है, जिसके कारण से हम उन आशीषों को अपनी जिंदगी से लेट कर देते हैं। आज वेट करें, लेट ना हो, प्रभु आपको बहुत ऐसी आशीष दे। फिर मिलूंगा नई वीडियो में नए वचन के साथ, तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। जय यीशु।